वो है, हार्ट ट्रेट. हार्ट ट्रेट का रेगुलेशन कैसे होता है? वो इंपॉर्टेंट क्यों होता है तो यार तुम अगर हो, अभी तक को नहीं करा है तो सब्सक्राइब करो आपको अगर ये पीडीएफ नोट्स चाहिए होते हैं फ्री में आपको प्रोवाइड करूंगा कहां पे, मेरे पे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको और अगर कोई डाउट्स रह जाते हैं तुम्हारे तो तुम मुझसे पूछ सकते हो कहा पे इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब कमेंट सेक्शन में एकदम बिंदास पूछो अपने डाउट तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक है हार्ट वो बी वट डू वी मीन बाय हार्ट 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 रेट 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 होता क्या है इज अगर हम हम ये जानते हैं कि हमारा जो दिल है धड़कता है ओके धक 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 ऐसे धड़कता है एक बार जो हमारा दिल धड़कता है उसको हम कहते हैं एक कार्डियक साइकिल उसने कंप्लीट करी है वो उसकी एक हार्ट बीट है ओके जब हम इसी चीज को एक यूनिट टाइम में देखें एक मिनट के अंदर जब हम इस चीज को ऑब्जर्व करें तो हम कहते हैं कि ये हमारे हार्ट का हार्ट रेट है यही है हमारा हार्ट रेट नॉर्मली हमारा हार्ट रेट सिक्सटी टू हंड्रेड बीट्स पर मिनट वेरी करता है अगर सिक्सटी बीट्स पर मिनट से कम हो जाए तो हम कहते हैं ब्रेडिकार्डिया एंड हंड्रेड बीट्स पर मिनट अगर ये बढ़ जाए तो हम कहते हैं इस कंडीशन को टैकी कार्डिया क्लियर सो हार्ट रेट रिफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स योर हार्ट बीट्स पर मिनट बीट्स पर मिनट को हम बीपीएम शॉर्ट में लिखते हैं इट इज एन एसेंशियल मेजर ऑफ योर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ एंड कैन वेरी बेस्ड ऑन फैक्टर्स सचैसे एज फिटनेस फिजिकल एक्टिविटी एंड ओवरऑल हेल्थ हमारी एज के साथ जो है हमारा हार्ट रेट वेरी करता है जैसे जैसे ओल्ड एज आती है बच्चों में जो हार्ट रेट बहुत इंक्रीज होता है अडल्ट में हम सेवेंटी टू बीट्स एंड जैसे जैसे हम ओल्ड होते जाते हैं वैसे हमारा हार्ट रेट जो है थोड़ा डिक्रीज होने लगता है फिटनेस लेवल अगर कोई इंसान है वो रोज जिम जाता है वो कोई एक्टिविटी कर रहा है तो उसका हार्ट रेट जो है नॉर्मली थोड़ा सा इंक्रीज ही होगा और अगर वो ऐसी एक्टिविटी नहीं करता सुस्त पड़ा हुआ है तो जो हार्ट रेट है वो डिक्रीज रहेगा ओके फिजिकल एक्टिविटी वही सेम चीज है एंड ओवरऑल हेल्थ कैसी है है और अगर 60 से कम है, तो उसको हम कहेंगे, और अगर 100 से है, तो उसको हम कार्डिया कहेंगे ओके रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट हार्ट रेट हमारा रेगुलेट कैसे होता है इसको हम कैसे कंट्रोल करते हैं इसके लिए तीन मैकेनिज्म होते हैं मेनली एक होता है सॉरी इसके लिए दो मैकेनिज्म होते हैं मेनली एक होता है नर्वस मैकेनिज्म एक होता है मैकेनिज्म यानी मैकेजमे जो हॉर्मोस और ब्लड कम्पोनेट है वो रेगुलेट करते हैं हमारे हार्ट रेट को और नर्वस में हमारा जितना भी न्यूरॉन uh, से रिलेटेड हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हो गया रिसेप्टर्स हो गए ये सारी चीजें आती हैं हमारे नर्वस मैकेनिज्म के अंडर वेगस नर्व जो होती है इट इज अ जानते हैं ओके वेगस नर्व इज मेनली पैरासिंपथेटिक इन नेचर

पहले हम स्टडी करेंगे नर्वस मैकेनिज्म को कि नर्वस मैकेनिज्म कैसे काम करता है सो द हार्ट इज रेगुलेटेड बाय द नर्वस मैकेनिज्म व्हिच कंसिस्ट ऑफ थ्री थ्री कंपोनेंट्स तीन कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं इसके अंदर एक है हमारा ऑटोनॉमिक रेगुलेशन यानी कि हमारा सिंपथेटिक एंड पैरासिंपथेटिक सिंपथेटिक एंड पैरासिंपथेटिक सिस्टम इसमें आता है हमारे ऑटोनॉमिक रेगुलेशन में रिफ्लेक्स रेगुलेशन में क्या होगा रिफ्लेक्स रेगुलेशन में हमारे रिसेप्टर्स एंड हमारे इस चैप्टर में तो थो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ही रिसेप्टर्स एंड के ऊपर बट इसको हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में एंड द नेक्स्ट इज अ रेगुलेशन बाय हायर सेंटर्स यानी कि हमारा जो सी एन एस है ब्रेन है मेडुला इसके जो कम्पोनेट होते हैं सीएनएस के ये कैसे इसको इन्फ्लुएंस करेगा क्लियर ओके फर्स्ट इज अटोनॉमिक कंट्रोल ऑटोनोमिक कंट्रोल क्या सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक की एक्टिविटी कैसे मैंने बताया कि पैरासिंपैथेटिक जो है वो डिक्रीज करेगा क्या होता है जो पैरासिंपैथेटिक सप्लाई होती है हमारे वेगस नर्व की वो ऐसे नोट को जाकर के इन्फ्लुएंस करता है कि भाई तू जो है अपनी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को थोड़ा डिक्रीज रख अगर इंक्रीज करके रखेगा ज्यादा तो दिक्कत हो जाएगी वो जो है पैरासम्पथेटिक सिस्टम हमारे ऐसे नोट को बोलता है कि अपनी एक्टिविटी डिक्रीज करो वरना हार्ट रेट अगर बढ़ गया तो दिक्कत की बात हो जाएगी ठीक है सर पैरासम्पथेटिक कंट्रोल इज डोमिनेंट एंड कंट्रोल्स एसे नोट टिक एंड सिंपथेटिक में से ज्यादा जो डोमिनेंट है जो ज्यादा बड़ा दादा है वो है हमारा पैरासिपेटिक सिस्टम ओके दिस बेसल हार्ट रेट टू बी लोअर देन हार्ट हार्ट रेट रेट बेसल क्या है बेसल हार्ट रेट वो है जो एक्चुअल में हमें हार्ट रेट मिल रहा है एंड इंटरसिक हार्ट रेट वो है जो हमारा एस नोड प्रोड्यूस कर रहा है क्लियर ओके विदाउट वेगल स्टिमुलेन द इंटरसिक हार्ट रेट विल बी मोर

जहां से ओरिजिनेट कर रही होती है वहां पे एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसको हम डोर्सल मोटर न्यूक्लियस कहते हैं एंड द न्यूक्लियस एम्बिगस ये सारे जो हैं जब आप कट सेक्शंस ऑफ सीनेस में मेडुला के सेक्शंस पढ़ोगे ना तो वहां पे ये सारे आपको देखने मिलेंगे प्लस जब हम सीनेस डिस्कस करेंगे उसमें भी ये तीनों नाम जो है वापस अपीयर करेंगे क्लियर ओके द राइट वेगस नाउ राइट वेगस नाउ जो है राइट right क्रैनियल जो हमारे क्रेनियल नर्व होती हैं वो बारह पेयर में होती है सो जो राइट क्रेनियल नर्व होती है वो एस ए नोट को सप्लाई करेगी एंड जो लेफ्ट वेगस नर्व है वो सप्लाई करेगी किसको एवी नोट को दोनों को कंट्रोल हमारा पैरा सिस्टम करेगा विच इंफ्लुज आर रेट विच डिक्रीजेस आर हार्ट रेट स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व रिजल्ट इन द डिक्रीज इन हार्ट रेट ओके नेक्स्ट इज ऑ सिंपैथेटिक कंट्रोल सिंपैथेटिक कंट्रोल कैसे होगा सिंपथेटिक सिस्टम जो है स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट करेगा जो हमारी ये स्पाइनल 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 कॉर्ड 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 होती है है ना सीएनएस में में एक तो है, तो ब्रेन आता एंड द अदर वन इज से जो ओरिजिनेट करेंगी जो हमारे हार्ट को प्रोवाइड करेंगी सप्लाई करेंगी वो हमारा सिंपथेटिक कंट्रोल के अंडर आएगा एंड सिंपथेटिक कंट्रोल ट्राई करता है कि वो हार्ट रेट इंक्रीज करे बट बड़ा ज्यादा कौन सा है वो है हमारा पैरासिम्पथेटिक सिस्टम तो पैरासिपथेटिक सिस्टम डोमिनेंट रहेगा एंड इट कीप्स डिक्रीज़ डिक्रीज़ वो एक पे ही हमारा हार्ट रेट रखेगा ओके सिंपथेटिक फाइबर सप्लाइंग ओरिजिनेट फ्रॉम द लोअर टू एंड अपर सिक्स थोरासिक सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल इट द हार्ट हार्ट रेट रेट को वो इंक्रीज करके रखेगा ओके okay. ये है हमारा पैरासिंपथेटिक सिस्टम और सिंपथेटिक सिस्टम कैसे हार्ट रेट को कंट्रोल करता है हमारा मेड्यूला है ये मेड्यूला ये मेड्यूला है सी का पार्ट होता है यस सर बिल्कुल होता है इसमें से जो डॉसल न्यूक्लियसलियस नुक, डोसल मोकिया न्यूक्लियस हमने जो देखा था वहां से हमारे कौन सी एक तो राइट वेगस ये जा रही है और एक ये जा रही है लेफ्ट वेगस लेफ्ट वेगस रिले करेगी यहाँ पे एंड इट प्रोवाइड्स द एवी नोड एवी नोड को लेफ्ट प्रोवाइड करेगी एंड राइट वेगस जो है वो एवी नोट को प्रोवा नोट को प्रोवाइड करेगी एंड उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज करके रखेगी ओके ये है हमारा स्पाइनल कॉर्ड ये ब्लू में तो इसको ब्लू इस में ले जाता है स्पाइनल कॉर्ड है इसमें से टी वन टी टू टी थ्री टी फोर ये सारे जो है अपनी अपनी ब्रांचेस देंगे जो प्रोवाइड करेगी पेस मेकर टिश्यू को ये नोट्स पे नहीं जाती है ये टिश्यू पे जाती है बेसिकली एंड वहां पे डिवाइड होकर सप्लाई करेंगी और ये ट्राई करती है कि थोड़ा सा जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज करके रखे जब कंडीशन इंक्रीज करने की जरूरत पड़ती है देन जो सिस्टम होता है वो डोमिनेंट हो जाता है वरना नॉर्मल कंडीशन के अंदर पैरासिंपाथेटिक सिस्टम ही हमारा डोमिनेंट होता है क्लियर ओके सर क्लियर है कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट्स में या फिर इंस्टाग्राम पे तुम लोग पूछ सकते हो

ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो उसको वापस डिक्रीज करने का काम करेंगे ओके राइज इन ब्लड प्रेशर न्यूक्लियस सोलिटेरियस हमने देखा एनटीएस को ये येमुलेट कर देंगे एनटीएस बोलेगा कि एक काम करो ठीक है तुमने बोला बैरोसेप्टर का यही काम है बैरोप्टर डिटेक्ट करके सिग्नल भेजेगा हमारे हायर सेंटर्स की तरफ एनटीएस की वो खुद से नहीं कर सकता वो सिग्नल भेज देगा कि भाई सुनो यहाँ पे ऐसा लफड़ा हो गया यहाँ पे ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ गया है तुम लोग ध्यान रखो इस चीज का इसको थोड़ा कम करो ब्लड प्रेशर काम करेगा NTS के के पास सिग्नल गया वो सिस्टम सिस्टम जो होता है के तीन कंपोनेंट्स आते हैं बेसोकॉन्टर हो, से, सेंटर होता है सेंटर होता है एंड एक ऑटोनॉमिक एक होता है इनको कंट्रोल करता है सेंसरी सिस्टम ये आगे के लेक्चर में थोड़ा डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी के लिए याद रखो कि वेसोमोक्टर सिस्टम जो होता है उसको इनहिबिट करेगा जब हमारा ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा अब ब्लड प्रेशर सॉरी जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया है तो हमें उसको नॉर्मल वैल्यू पे लाना पड़ेगा हाँ सर बिल्कुल आना पड़ेगा नॉर्मल वैल्यू पे ला रहे हैं यानी कि अगर मैं सिस्टम को इनहिबिट कर रहा हूं तो वेसोमोम सिस्टम का काम क्या है वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करके रखता है क्लियर ब्लड प्रेशर अभी बढ़ा हुआ है मैंने वेसोमोट सिस्टम को इनहिबिट कर दिया है जिससे मेरा ब्लड प्रेशर वापस नॉर्मल लेवल पे आ जाए तो ये तो वेसोमोट सिस्टम का इनिशियल काम क्या हुआ कि वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करके रखता है क्लियर ओके इनहिबिशन ऑफ वेसोमोट सिस्टम डिक्रीजेस हार्ट रेट बाय इनहिबिटिंग सिंपथेटिक एक्टिविटी सिंपाथेटिक सिस्टम को वो इनहिबिट कर देगा वेसोमोट सिस्टम

और इससे हमारा सॉरी टेकीकार्डिया होगा नॉट ब्रेडिकार्डिया टैकि कार्डिया टैकिया हार्ट रेट हमारा हार्ट रेट बढ़ेगा क्यों क्योंकि हमें ये सारी चीजें ओवरकम करनी है हमें सीओ टू को वॉश आउट करना है हमें पीएच को वापस से नॉर्मल लाना है हमें पीएच बढ़ाना है एंड ऑक्सीजन भी जो है हमें ज्यादा चाहिए सो ब्रेडिकार्डिया नहीं टेकिडिया होगा Clear. Okay. So, ये हाँ साइनस है कैरोटेड साइनस ये जब ऑफ फेटा है फे आगे जाकर के डिवाइड करता है बनती है, लेफ्ट सबक्लेवियन और लेफ्ट आ, हमारी कैरोटेड आर्टरी बनती है सो so, इनके कुछ जंक्शन होते हैं वहां पर कैरोटेड बॉडी एंड यहां पे, पे हमारा कहीं पे इस इस साइड पे हमारे कीमोरेप्ट प्रेजेंट होते हैं ये डिटेक्ट करते हैं हमारे चेंज इन द ब्लड प्रेशर एंड द केमिकल कंटेंट कि वो केमिकल डिटेक्ट करेगा जैसे कि CO2 H+ so, आगे जाकर नर्व हेरिंग और नर्व से. Clear? Okay, sir. ये भेजेंगे से। है हमारा मेरे रिफ्लेक्स या फिर इसी को हम कहते हैं कार्डियो इनिबिटी रिफ्लेक्स ये काम किसका है हमारे बेरो रिसेप्टर्स का बेरोप्ट रिसेप्टर्स का काम है ये ओके okay. क्या होगा ब्लड प्रेशर बढ़ा है 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 ना ब्लड प्रेशर बढ़ा इस चीज को किसने सेंस करा हमारे ने बैरो मींस प्रेशर प्रेशर वो डिटेक्ट करेंगे प्रेशर डिटेक्ट करने के बाद क्या हुआ इंपल्स कैरी आउट होगी थ्रू नाइन एंड देंथ क्रेनियल नर्व्स नाइन्थ इज आर ग्लोसोफेरेंजियल And होती है हमारी vagus. होती है हमारी क्रेनियल नर्व हैं दोनों ही जो है सिग्नल कैरी करेंगी थ्रू द टू दी सीएनएस ओके न्यूक्लियस ऑफ सोलियस ट्रैक्टर सोलि कैरियस ये स्टिमुलेट हो, हो गया ओके okay. एंड फिर वेसोडाइलेटर एरिया मैंने क्या बताया था इसके तीन कंपोनेंट होते हैं वेसोमोटर सिस्टम के पहला होता है वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर एरिया दूसरा है वेसो एरिया एंड द थर्ड इज सेंसरी एरिया सो so, वेसो डायलेटर एरिया स्टिमुलेट हो गया वेसो डायलेशन का क्या मतलब है वेसो डायलेशन का सर मतलब है कि हमारे जितने भी वेन्स हैं या आर्टरीज हैं वेसल्स हैं उनका डायमीटर बढ़ जाएगा वो डायलेट कर जाएंगी सो so, Of dilator area. ये vessels को dilator करा देगा इससे हो हो जाएगी okay, and furthermore, bradycardia हो जाएगा डिक्रीज इन प्रेशर कह लो या फिर डिक्रीज इन हार्ट रेट है ना हार्ट रेट इंफ्लुएंस करता है हमारे ब्लड प्रेशर को तो हम अगर प्रेशर या हार्ट रेट कुछ भी कह लो वो डिक्रीज करा देगा ब्रेडिकार्डिया डिक्रीज इन हार्ट रेट क्लियर इसको फर्दर हम कि कौन कौन से uh, होते हैं, कौन कौन से एरिया होते हैं वो कैसे वर्क करता है आने वाले अगले लेक्चर में पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी के लिए तुम्हारा इतना जानना बहुत है ओके okay? हम कोई चीज छोड़ेंगे नहीं सारी चीजें डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्चुअली आपको पूरा मैं आपको पढ़ाऊंगा ओके हायर सेंटर्स कौन कौन से होते हैं हायर सेंटर्स होते हैं हमारे मोटोकॉटिक्स होता है ब्रेन के पता है ना पार्ट्स uh, होते हैं कॉर्टिक्स होता है तो ना फ्रंटल लोब होता है एक ब्रेन में फ्रंटल लोब होता है फिर टेम्पोरल लोब होता है ये सारे ऑसपिटल लोब होता है ये पार्ट्स होते हैं हमारे कॉर्टिक्स के सो मोटर मोटर मोटरकॉर्टिक्स फ्रंटल लोब एंड द थैलेमस थैलेमस एक पार्ट होता है ब्रेन का ये हार्ट रेट इंक्रीज करेंगे यानी कि ये टैकी कार्डिया कॉस करेंगे टैकी कार्डिया टैकेकार्डिया कॉस करेंगे एंग्जाइटी एक्साइटमेंट ये चीजें भी जो है हार्ट रेट को बढ़ाएंगी स्टिमुलेट करेंगी हमारे सिंपथेटिक सिस्टम को विर लिम्बिक सिस्टम जितनी हमारे इमोशंस होती हैं वो लिंबिक सिस्टम के अंडर कंट्रोल में आती हैं एंड दिस फर्दर कॉज एंग्जाइटी एंड एक्साइटमेंट विच स्टिमुलेट आर सिंपथेटिक सिस्टम एंड द हार्ट रेट इज इंक्रीज ओके हॉर्मोनर कंट्रोल या फिर इसी को हमने ह्यूमरल कंट्रोल का बोला था हॉर्मोन लाइक थायरोक्सिन जो हमारा थाइरॉय ग्लैंड से निकलता है एड्रलिन नॉन एड्रलिन कहाँ से निकलते हैं जो हमारा कैप्सूल होती है किडनी के प्रेजेंट के ऊपर प्रेजेंट वहां से निकलती हैं ये इंक्रीज करते है हैं हमारे हार्ट रेट को ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज करने के लिए ये हॉर्मोन कौन कौन से थायरोक्सिन एडलिन एंड नॉन एड्रलिन ये दोनों जो है एडेनरी नॉन एडरी हम मिलाकर के बोलते हैं कैटिकोलास है ये जो है हमारा हार्ट रेट को इंक्रीज करेंगे तो यार इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक था वो खत्म होता है हार्ट रेट छोटा टॉपिक था लेकिन इसको समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है आगे जा करके हम बेसोमोटर सिस्टम समझेंगे उसके क्या क्या डिविजन होते हैं हम वो जानेंगे और वो फर्दर कैसे एक्ट करते हैं अभी बैरोप्टर हमने बहुत छोटा कंपोनेंट बहुत ही छोटा एक छोटा सा ग्राफ देखा है आगे जो मैंने ग्राफ बनाए हैं तुम लोगों के लिए बहुत बड़ा है उससे एंड लेकिन ईजी है ये जरूर तुम लोग याद रखना सारी चीजों को ईजी पढ़ाऊंगा मैं कुछ डिफिकल्ट नहीं रहेगा कोई डाउट रह जाता है तो तुम लोग मुझको इंस्टाग्राम पे या फिर मेरे को इस यूट्यूब सेक्शन में यूट्यूब कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो कोई दिक्कत की बात नहीं है एकदम बिंदास पूछो कोई डाउट रह जाता है तो ठीक है बाकी पीडीएफ नोट्स के लिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब करो सारे लेक्चर्स आएंगे इसपे सारे यूनिट कवर होंगे तो या इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में